नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। देश के सबसे बड़े साइबर ठग में एक प्रमोद मंडल हुआ गिरफ्तार। यूपी समेत देश में 10 राज्यों का वांटेड सातिर साइबर फ्रॉड प्रमोद मंडल गिरफ्तार। लखनऊ साइबर ने प्रमोद मंडल के साथ राजेश, करण और मनोज को भी किया गिरफ्तार। बीते साल सचिवालय से रिटायर्ड क्लर्क के खाते से निकाले थे 35 लाख रुपए। सर, गुडवर्क किया गया, क्या पूरा? अभी पिछले डेढ़ साल पहले एक सचिवालय के रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें उनसे फ़ोन कॉल करके OTP लेकर इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस कंट्रोल इन लोगों ने अपने हाथ में लेकर और करीब 30 लाख रुपए की FD कराकर उस पर 95% यानी 25 लाख रुपए और लोन कराकर टोटल 55 लाख रुपए फिक्स कराकर उसमें से 53 लाख रुपए इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने विभिन्न बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिए थे। बैंकों की डिटेल्स जो थी वो विभिन्न राज्यों की थी, ग्वालियर, महाराष्ट्र, मुंबई, और लेकिन सबका एक्सेस कंट्रोल जो था वो जामताड़ा से हो रहा था, इनके लोकेशन से हो रहा था। जिस विषय में जिसकी कंप्लेंट साइबर सेल को जब मिली, हम लोगों ने इसमें सबसे पहले प्रथम दृष्टया जांच करके एक मुकदमा पंजीत कराया हजरतगंज थाने में। उसके बाद हम लोगों ने इसके कुछ कल्पिट्स, पिछले साल 9 लोगों को की अरेस्टिंग हमने की थी जब कोविड चल रहा था, उस दौरान ही हम लोगों ने जामताड़ा से 9 लोगों की अरेस्टिंग की। कुछ दिन पहले पुनः जामताड़ा जाकर हम लोगों ने, इनफैक्ट मैं भी गया था उसमें, उनमें 2 अन्य और सहअभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अब इस पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था वो तभी बच रहा था। इस मास्टरमाइंड प्रमोद उर्फ विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश, करण, मनोज की भी, जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है, जो कल ये अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जेल के पास से इनकी गिरफ्तारी।